राजधानी लखनऊ के अलीगंज पोस्टल ग्राउंड में यूपी महोत्सव शुरुआत के साथ ही लोगों का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहां पर लोग जम के शॉपिंग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यों से आए कई उत्पादक अपने उत्पादनों का भी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही लोगों को यहां पर झूले भी काफ़ी पसंद आ रहे हैं। अलग अलग प्रकार के 20 से 25 तरह के झूले यहाँ पर लोगों का मन लुभा रहे हैं। झूले के मालिक इमरान का कहना है कि झूलों की एक पूरी रेंज यूपी महोत्सव में लगी हुई है ताकि हर कोई अपने मन मुताबिक झूले झूल सके। इसके साथ ही नई प्रतिभाओं को भी यूपी महोत्सव में मंच दिया जा रहा है ताकि वह अपनी प्रतिभा को और निखार सके। यूपी महोत्सव का उद्घाटन जो है 24 दिसंबर को हो गया है, जो कि 9 जनवरी तक चलेगा। जो है इसका उद्घाटन माननीय विधायक पंकज जी ने किया है। जो है माननीय नीरज बोरा जी रहे, पार्षद राघव राम तिवारी जी रहे जो है, और ये कार्यक्रम जो है बहुत ही अच्छा चलेगा जो है। और लोगों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ लोग आएँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश के वन प्रोडक्ट वन उत्पाद के तहत जो है प्रमुख उत्पाद की स्टाले लगाई गई हैं। खान पान की जो है व्यंजन की हर राज्यों की स्टाले आई हुई है। जो है बच्चों के लिए झूले का प्रबंध किया गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए जो है ब्रज बुंदेलखंड अवध और ये कार्यक्रम कराए जाएंगे। जो है बच्चों के लिए जो है प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है जो कि निःशुल्क होगी जो है, और इस प्रतियोगिता में जो फर्स्ट सेकेंड बच्चे आएंगे जो है उनको यूपी टैलेंट हंट के तहत जो है पुरस्कृत किया जाएगा। इसके साथ साथ जो है समाज में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाली विभूतियों को जो है यूपी रत्न से भी सम्मानित किया जाएगा। जो है जैसा भी आप लोग अवध महोत्सव में भी आए थे, तो अवध महोत्सव की जोरदार सफलता के बाद यूपी महोत्सव यहाँ जो 16 साल से ये 16वां महोत्सव है यहाँ पे, और इस बार भी मैं कल्चरल देख रही हूँ, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से महिलाओं से आग्रह करूँगी कि वो मंच पर आएँ। इवन हमारे जितने भी भाई हैं साथी हैं वो सब इस मंच पर आएँ और अपनी अपनी संस्कृति अपनी अपनी सभ्यता को मंच पर प्रदर्शित करें। सभी को सम्मानित किया जाएगा। यूपी महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है अलीगंज पोस्टल ग्राउंड में, क्या कहना चाहेंगे? लोगों को झूले बहुत पसंद आ रहे हैं और नए भी झूले आपने लगाए हैं इस बार। देखिए, यूपी महोत्सव लगभग मैं 7-8 वर्ष से करता चला आ रहा हूँ, और हर वर्ष जो कमी रह जाती है वो आने वाले वर्ष में मैं दूर कर देता हूँ। जैसे इस वर्ष भी 2023 और 24 में मैं स्केटिंग कार 8 डबल डिश जो मेरी कलकत्ता से अभी आई थी अवध महोत्सव में, और यूपी महोत्सव में नहीं लग पाई थी, तो पिछले वर्ष की जो कमी थी वो मैंने इस वर्ष पूरी कर दी है। तो नए झूले में कौन कौन से झूले आए हैं इस बार? नए झूले में देखिए, एक तो मैं डबल डिश लाया हूँ, और इस ग्राउंड में अभी लगभग मैंने आपको पहले बताया कि 7-8 वर्ष से करता चला रहा हूँ, इसमें स्केटिंग कार मेरे कार्यकाल में नहीं लगी है, और आने वाले समय में भी अच्छे से अच्छे झूले लाने का पूरा प्रयास और पूरी कोशिश रहेगी अलीगंज वासियों के लिए और लगभग लखनऊ जनता के लिए। लगभग छोटे बड़े झूले मिलाकर कितने प्रकार के झूले लगे हुए? लगभग मेरा आइडिया है कि 20 प्रकार के छोटे बड़े झूले लगे हैं, और बच्चों के लिए भी मैंने बहुत अच्छा इंतजाम किया है, उनके लिए भी बहुत फैंसी झूले लगवाए हैं इस बार। और सभी लखनऊ जनता से और अलीगंज वासियों से सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग अपने परिवार के साथ आए और झूलों का लुत्फ उठाएं। चैनल देशबंधन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।